शिवाजी पार्क से इस वक्त जेपी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जेपी, ये शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर कोई अपने ही अंदाज में उनको याद तो कर रहा है, लेकिन उनके बारे में बातें करते हुए सबका कुछ अलग अलग कहना है। यहाँ पर आम लोग भी जुट रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। आप शिवाजी पार्क में हैं जहां पर अंतिम यात्रा, अंतिम सफर वो तय करने वाली हैं आपसे थोड़ी देर बाद। लोग यहां भी अब पहुंचना शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लता मंगेशकर जी के जो चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, शिवाजी पार्क में जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि इन्हें यहाँ पर अभी फिलहाल आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बड़ी संख्या में पुलिस है। मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, जो अंतिम संस्कार जहाँ पर होना है, कुंड बनाया गया है, उसके अगल बगल में पुजारी खड़े हैं। करीब 12 पुजारियों का एक बड़ा समूह जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मुंबई पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल यहां पर मौजूद हैं, एसपीजी के अलग अलग जो जवान हैं वो आए हैं। राजकीय और राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई देने की तैयारी यहां शिवाजी पार्क में हो गई है। मैं आपको बताऊं कि बाला साहेब ठाकरे की जब का निधन हुआ था, उनको राजकीय और राष्ट्रीय सम्मान यहां पर शिवाजी पार्क में दिया गया था। एक अंतिम संस्कार बाला साहेब ठाकरे का यहीं पर किया गया था और ठीक उसी जगह पर लता मंगेशकर जी को भी आखिरी नम आंखों से विदाई देनी दी जा रही है। आपको मैं दिखाऊं कि चारों तरफ कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस के यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री यहां पर अंतिम विदाई देने के लिए स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो यहां पर आने वाले हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री, वीआईपी, वीवीआईपी, सचिन तेंदुलकर जो उनके मानस पुत्र माने जाते थे लता मंगेशकर के, बहुत आत्मीय रिश्ता था सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का। जब भी सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाते थे स्टेडियम में, लता मंगेशकर टीवी के सामने बैठकर तालियां बजाती थी और उनका सबसे पहला जो शुभकामना, सबसे पहले उनकी जो विश सचिन तेंदुलकर को, जैसे ही वो पवेलियन में लौटते थे उनको फोन करके वो देती थी। तो दोनों के बीच में माँ बेटे का रिश्ता था, अघोषित रिश्ता था। भले सचिन तेंदुलकर उनके बेटे नहीं थे, लेकिन बेटे से ज्यादा मानती थी लता मंगेशकर। और यही वजह है कि जब पार्थिव शरीर ब्रिज कैंडी से लता मंगेशकर जी का विदा हो रहा था, उस समय सचिन तेंदुलकर वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ राज ठाकरे मौजूद थे, आदित्य ठाकरे मौजूद थे। तो ठाकरे परिवार, तेंदुलकर परिवार के साथ मंगेशकर परिवार का रिश्ता कई दशकों पुराना है और यही वजह है कि यहां पर सचिन तेंदुलकर और ठाकरे परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में यहां पर व्यवस्था की जा रही है। करीब 1-1.5 घंटे बाद जो अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जी, तो ये सीधी तस्वीर है शिवाजी पार्क से जहाँ दिखा रहे हैं इस वक्त। अब तैयारियां की जा रही हैं, हालांकि अंतिम दर्शन उनके निवास प्रभु कुंज पर भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनका पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद 4:30 बजे। और जैसा कि आपको बताया, अंतिम सफर अब से थोड़ी देर में लता जी तय करने वाली हैं। जेपी, सीधा शिवाजी पार्क से तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, अब उनके निवास प्रभु कुंज का रुख करते हैं। जोयता हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो जोयता, अब हम देख रहे हैं कि सभी अपने अपने तरीके से उनको याद तो कर रहे हैं, लेकिन नम आंखों से विदा देने के लिए अब सब एकत्रित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रभु कुंज का जो दृश्य है वो बहुत ही गमगीन है। यहाँ पर एक बैरिकेड के बाहर जिस तरह से लोग एक झलक पाने के लिए खड़े हैं लता जी के, और यहाँ पर अंदर उनका पूरा परिवार, उनके जो दोस्त, उनके उनका उनके जो रिश्तेदार, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर सुशील कुमार शिंदे, संजय लीला भंसाली, सभी यहाँ पर उनके एक अंतिम झलक देखने के लिए यहाँ पर उन्हें विदा देने के लिए पहुंचे थे। और अभी थोड़ी ही देर में जो है वो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें लता को यहाँ से विदा किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी, मुंबई पुलिस की जो तैयारी है वो सशक्त तरीके से, वो तैयारी सुबह से ही चल रही है और यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो बार बार कर रहे हैं किस तरीके से उन्हें विदा दिया जाएगा। एक तरफ बैंड है जो मौजूद है, दूसरी तरफ पुलिस है, और यहाँ पर बस इंतजार किसी भी वक्त यहाँ से लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो शिवाजी पार्क के लिए रवाना किया जाएगा।
श्वेता, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक परिवार ने नहीं बल्कि देश ने खोया है। हम लता दी कहें, लता ताई कहें, और यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ अभिनेता, हर क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज आज उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत उत्सुकता होती है ऐसी शख्सियत के बारे में जानने की। परिवार के सदस्यों के से भी आपकी कोई बातचीत हो पाई? परिवार इस वक्त स्तब्ध है, वो अभी इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले जब वो अस्पताल में थी तो रचना से मेरी बात हुई थी और बहुत ही उदास भाव से उन्होंने कहा कि बस हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि 28 दिन लता मंगेशकर जो है वो अस्पताल में रही हैं। कोविड उन्हें हुआ था, उसके बाद वो कोविड से बाहर भी आई, वो लगातार अपने जीवन से लड़ रही थी, लेकिन वक्त जो है वो बहुत कल का वक्त जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और डॉक्टर्स भी जो थे कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त, आखिरी समय वो छोड़कर हमें चली गई। मैं अगर अमिताभ बच्चन की बात करूं, वो यहाँ पर जब सीधा पहुंचे तो कौन भूल सकता है सिलसिला का वो दौर या फिर कभी कभी का वो दौर, जो लता मंगेशकर के गाने वो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, या फिर संजय भंसाली का वो दौर, जब जो गाने हैं उनका गाना, मतलब ये बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स हैं वो रहे हैं जो कि जिनके गानों ने ज्यादा नाम कमाया है फिल्मों से, तो लता मंगेशकर का एक गाना या लता मंगेशकर की यादें जो है वो हर एक निर्देशक, हर एक एक्टर, हर एक जो कलाकार हैं उनके जहन में रहेगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो उठाव कभी ना कभी लता मंगेशकर ने दिया है वो ता जिंदगी लोगों के दिलों में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप ज्योता, लेकिन इस बीच ये भी बहुत ख़ास मायने रखता है कि उन्होंने जिस तरीके से संगीत की दुनिया को अपनी आवाज़ दी है और जो 75 से भी ज़्यादा साल का उनका ये सफ़र रहा है उसमें हर एहसास उनके गीत के ज़रिए जुड़ा रहा है और शायद सभी के लिए। ज्योता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। ज्योता, मैं यही कह रही थी कि वहां पहुंच रही हर शख्सियत अपने अपने अनुभव उस एहसास के जरिए ही जाहिर कर रहे हैं जो उनके संगीत के माध्यम से जुड़े रहे सभी के साथ। जी जी, यहाँ पर जो भी आ रहे हैं हर किसी के पास, हर किसी के जहन में उनकी यादें हैं, हर किसी की जिंदगी में, हर किसी के करियर में उनका छाप है और वही लेकर सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं आखिरी बार करने के लिए, क्योंकि लता मंगेशकर जो है वो एक नाम, वो एक कहावत, वो कहावत बन जाती है। अगर कोई अच्छा गाता भी था तो कहा जाता था अपने आप को लता मंगेशकर समझ, तो ये जो कहावत है वो जो उन्होंने नाम कमाया है या फिर प्यार कमाया है लोगों के बीच में वो आज देखने को मिल रहा है। एक शख्स जो है कल तक कोविड के दौर में सब आ रहे हैं, सभी जी जेपी, लता दी की बात करते हैं तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा गर्व वो रही हैं, इसलिए आज प्रधानमंत्री की भी जब हमने उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि भी सुनी, जिस तरीके से उन्होंने बयां किया उसमें उन्होंने उस बात का जिक्र जरूर किया कि जब उनसे मुलाकात हुई या जब उनसे बात हुई तो कैसा रहा। हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि वो अपने अनुभव हमारे जरिए लोगों के सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक के साथ उनका एक स्नेह रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्नेह था सुरभि। यहाँ प्रधानमंत्री जी ही नहीं बल्कि जो देश के जितने भी नेता हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सभी लता दीदी के साथ एक अलग अनुभव शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री जी का तो उनके साथ बहुत अपनत्व का अनुभव रहा, बहुत अपनत्व का नाता रहा। बड़ी बहन के रूप में नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमेशा लता दीदी को मानते रहे और जब भी आपको याद होगा एक अभी लेटेस्ट उन्होंने अमेरिका जाने के पहले लता दीदी से बात की थी और उनको ये कहा था कि अमेरिका में जब वो लता दीदी का जब जन्मदिन होगा तब वो हवाई जहाज में होंगे, इसलिए वो एडवांस में उन्हें उनको जो है उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने फोन किया था और कितना कितना मधुर दोनों के बीच में संवाद रहा। यही वजह है कि अब से थोड़ी देर बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचने वाले हैं लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार को लेकर। बीएमसी ने अब कैसी तैयारियां की हैं देखिए। शाम को 5:45 बजे के आसपास अपने देश के आदरणीय पंत प्रधान महोदय वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं और उनके आने के बाद में 6:15-6:30 के दरमियान यहाँ पे अंतिम विधि कार्यक्रम शुरू होएगा।
और एक बार फिर से सीधा आपको शिवाजी पार्क की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे संवाददाता जेपी इस वक्त वहां पर मौजूद है, बता रहे हैं किस तरीके से लता दी को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर खास तैयारी चल रही है। यहां पर क्या क्या इस वक्त हो रहा है, और जैसा कि थोड़ी देर पहले भी आप हमें बता रहे थे जेपी, कि यहां पर पंडितों को भी बुलाया गया है और पूरी तैयारी के साथ यहां पर लता दी को विदा करने किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, यहाँ पर आर्मी के जवान आ चुके हैं, आर्मी के यहाँ पर आला अधिकारी आ चुके हैं, पूरी स्ट्रेटेजी आर्मी बना रही है इस अंतिम संस्कार का, अंतिम विदाई का। करीब 9 पंडित जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं जो अंतिम विदाई देंगे। जो कुंड बनाया हुआ है ये सीमेंट के ब्लॉक्स का कुंड बनाया हुआ है, इस कुंड के कुंड पर ही जो है वो अंतिम विदाई लता मंगेशकर जी का के पार्थिव शरीर का किया जाएगा। हम पंडितों को देख सकते हैं, ये सभी पंडित जो है वो किस तरह से अंतिम विदाई है उसकी ये पूरी रणनीति बना रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं। बगल में हम देख सकते हैं आर्मी के अधिकारी और आर्मी के जवान जो है वो पूरी रणनीति बना रहे हैं। ब्लैक जो ड्रेस में हम देख रहे हैं ये पूरे आर्मी के अधिकारी हैं और उसके पीछे आर्मी के जवान हैं। बगल में मुंबई पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और साथ ही साथ बीएमसी के जो अधिकारी और बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो भी यहां पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। करीब 15,000 स्क्वायर फुट का जो है एक राउंड बनाया गया है। इस राउंड के अंदर 2 ऐसे टेबल रखे गए हैं जिसमें अंतिम विदाई देने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जो दूसरे वीआईपी आएंगे वो अंतिम विदाई देंगे लता मंगेशकर जी को। शिवाजी पार्क के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन हम लता दी के घर के बाहर भी तस्वीरें देख रहे हैं जेपी, और मैं आपको भी यहां पर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाएगा, वैसी ही तैयारियां, वो जो अंतिम सफर अब से थोड़ी देर में उनके घर प्रभुकुंज से शुरू होगा, वो तैयारियां भी घर के बाहर हम देख रहे हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। फूलों से सजा ये एक ट्रक यहां पर इस वक्त पहुंच चुका है और यहां पर भी सभी पर्सनल मौजूद हैं, यूनिफॉर्म में हैं और राजकीय सम्मान के साथ उनके इस अंतिम सफर की अब से थोड़ी देर में प्रभुकुंज से भी शुरुआत हो जाएगी। जेपी जयप्रकाश, मैं बता रही थी कि हम शिवाजी पार्क के साथ साथ उनके घर के बाहर की भी तस्वीरें देख रहे हैं, और जैसा कि सरकार की तरफ से भी यह ऐलान किया गया है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, तो प्रभु कुंज में भी वो तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अंतिम सफर पर निकलेंगी लता दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि, और वही तैयारियां जो है यहाँ शिवाजी पार्क, जो दादर के शिवाजी पार्क प्रभा देवी पर भी आप देख सकती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 9 पंडितों का एक समूह आया हुआ है जो अंतिम विदाई लता मंगेशकर जी को, लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को देने के लिए यहाँ पर 9 पंडितों को बुलाया गया है। इसके अलावा आर्मी के अधिकारी और आर्मी के जवान पूरी रणनीति बना रहे हैं, सुरक्षा की रणनीति, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए लता मंगेशकर जी को आने वाले हैं। मैं आपको बताऊँ, प्रधानमंत्री जी का 5:30 बजे गोवा में वर्चुअल रैली होना था नॉर्थ गोवा की 20 विधानसभा सीटों पर, लेकिन वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है और प्रधानमंत्री जी सीधे मुंबई आ रहे हैं शिवाजी पार्क पर अंतिम विदाई देने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार से सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सचिन तेंदुलकर और तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो यहां पर आने वाली हैं। चारों तरफ आप भीड़ देख सकते हैं, एक पंडाल दाहिनी तरफ बनाया गया है जो वीआईपी और कुछ वैसी ही तस्वीरें हम उनके घर के बाहर भी देख रहे हैं, और पेडर रोड पर स्थित उनके निवास प्रभु कुंज के बाहर की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर फूलों से सजा ये ट्रक तो इस वक्त पहुंच चुका है, लेकिन उनके घर पर भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, अनुपम खेर जैसी शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं और तमाम दिग्गज इस वक्त उनको नम आंखों से विदा करने के लिए प्रभु कुंज भी पहुंच चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुकना है, जल्द लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।